कानों में सुन कम सुनाई पड़ना आवश्यक ईश्वर ने समझा, इसलिए सबको बुढ़ापे में कम सुनाई पड़ने लगता है अधिकांश जी। ये जरूरी नहीं सबको 100% सबको, लेकिन अधिकांश ऐसा है। उसके बाद कुछ कमर में झुकाव भी अनावश्यक है, कमर में झुकाव हो जाएगा तो स्वाभाविक गर्दन कुछ नीचे को झुक जाएगी, तो इधर उधर चक्कर मकर ज्यादा नहीं करोगे। जितने चक्कर मकर कम करोगे उतने तुम्हारा दिमाग मस्तिष्क कंट्रोल में रहेगा, मन काबू रहेगा। मन की गति जैसे ये घड़ी है, सब चारों तरफ सेकेंड भी हैं, मिनट भी हैं, घंटे भी हैं, सब पर घूमती है चारों तरफ। 11 बज गया, 10 बज गया, इसी प्रकार से मन जो है ये जितनी पुखरियां शरीर के अंदर ईश्वर ने बनाई है संसार में, वो हर पुखरी पर पहुंचता है, चोरी पर पहुंचता है, दान करने वाली पुखरी पर पहुंचता है, दान लेने वाली पुखरी पर पहुंचता है, ईश्वर का भजन करने वाली पुखरी पर पहुंचता है। अध्ययन स्वाध्याय अत्यावश्यक है, सौ संतोष तपा स्वाध्याय प्रणिधामा और तथा हिंसा सत्य ये जो है आवश्यक, तो स्वाध्याय भी आवश्यक। तो कहने का मतलब स्वाध्याय की पकड़ी पर तो आप अखंड रामायण पढ़ने लगे या पाठ करने लगे दुर्गा जी का या कोई, मतलब तुम्हारा नियम है, तो जब तुम्हारा मन पहुंचेगा उस पकड़ी पर स्वाध्याय कर लो, तभी स्वाध्याय अच्छा मन लगेगा, नहीं मन लगेगा। तो ये सभी पकड़ियों पर घूमता है। अब सवाल ये है जो जिसमें ज्यादा रम जाता है, जो चोरी में रम जाता है, तो उसका पखुरी चोरी पर जाम हो जाता है। जिसका तपस्या करने में मन रम जाता है तो वो तपस्या वाली पखुरी पर जाम हो जाता है, ईश्वर का मनन चिंतन करने वाली पखुरी पर जिस पहुंचता तो है, लेकिन जो उसमें रमा हुआ है उसका जाम हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है। तो ये सारी पखुरियों पर मन दौड़ता घूमता, इसीलिए मन को बताया गया है चंचल है, मन का कहना मत मानो अन्यथा बर्बाद हो जाओगे, बन भी सकते हो बर्बाद भी हो सकते हो। ये मन हर जगह पहुंचता है, फिर किसके मानो, मन के ऊपर है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से मिलता है, सदगुरुओं से, सद ग्रंथों से, जो स्वाध्याय के लिए बताया गया है। तो नित्य प्रति स्वाध्याय नियमों में आया है, स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है धार्मिक ग्रंथों का। मुसलमान है तो मुसलमानों ग्रंथ पढ़े, हिंदू है तो हिंदू ग्रंथ पढ़े, बाकी ग्रंथ सभी यही बताते हैं अच्छी राह चलो। तो जो जिस, तो अब इसमें बहुत सी चीजें आ जाती है डॉक्टर, कि खून का भी प्रभाव काम करता है, उसका जैसा खून है, जिस खून से उसके शरीर का निर्माण हुआ है, संचारित है खून शरीर में, तो उस पखुरी पर ज्यादा उसका मन लगेगा। अब कैसा भी है उसी प्रकार से वो काम करेगा। तो मन के ऊपर है ज्ञान, ज्ञान सदगुरुओं से सदग्रंथों से प्राप्त होता है, कुछ पूर्ण जन्म का भी रह जाता है। और ज्ञान मरने के बाद जीवात्मा के साथ बताया गया है ज्ञान जाता है, और कर्म धर्म जो बाकी रह जाते हैं भोगने से वो सब जाते हैं, उसी के आधार पर उसको ऐसे उसी स्थान पर जन्म मिलता है या मुक्ति हो जाती है। मुक्ति नहीं हो पाई तो जन्म मिलेगा, तो उसी के आधार पर उसी स्थान पर मिलेगा। अगर उसने ऐसे कर्म किए धन के भंडार पर उसको पहुँचना चाहिए, तो धन के भंडार वाले के यहाँ जन्म हो जाएगा, नहीं है तो जुड़ जाएगा। तो उसके ऊपर ज्ञान है, तो ज्ञान से काम लेना चाहिए। जो मन के ही कहे में चलेगा वो मिट भी सकता है बन भी सकता है, मन सब जगह जाता है। ज्ञान जो है वो हमेशा अच्छे राह पर ले जाता है, और ज्ञान के ऊपर फिर विवेक, उसका भी स्तर ऊंचा है। विवेक ज्ञान से भरपूर हो और विवेकशील व्यक्ति हो तो उसको कहीं झटका नहीं खाता, वो तो भागता चला जाता है मैदान साफ पाता चला जाता है।
वो जब भागता है ऐसे लगता है कि जैसे आग की आँच काम करती है, जड़ा भागता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। विवेकशील व्यक्ति उसके बाधा नहीं पड़ती, क्यों गलत रास्ते पर उसका पैर ही नहीं गिरता तो कौन कौन रोकेगा। जहां जाता है दरवाजे खुले मिलते, जब बंद है तो खोल देता है संतरी। आगे बढ़िए, वो न जाए वो उसके बाद में फिर ईश्वर है परमपिता परमात्मा। उसकी शरण में पहुंच गया, सारे दरवाजे खुलते चले गए चले गए चले गए और वहां पहुंच गया, फिर उसको कोई संसार में कष्ट नहीं है, फिर मुक्त। 31 नहीं 40 अरब 10 खरब वर्ष के लिए कोई किसी प्रकार का उसे शरीर नहीं धारण करना पड़ता है, और पशु वो राक्षसी प्रवृत्ति से भरपूर, भूत प्रेत वाली प्रवृत्ति से भरपूर नहीं होता है, वो दिव्य स्वरूप पाता है। दिव्य स्वरूप, और दिव्य स्वरूप वाला हर जगह पहुंच जाने का अधिकारी होता है। प्रेत जीवात्माएं हर जगह नहीं पहुंच सकती, वो जूठा पानी पिएंगे, नाली का पानी पिएंगे, गंदी चीजों पर और गंदे स्थानों पर पहुंच सकती है, और शुद्ध स्थानों पर जाएंगे तो उनको जैसे आग से जलने लगता शरीर, गर्मी मौसम पहुंच नहीं पाएंगे तो उसका खुद जलने लगता, वो भाग जाता चिल्लाएगा। तो इसीलिए मनुष्य शरीर पा करके और सदग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है, सत्पुरुषों की संगत आवश्यक है। इनसे वो जो मनोवृत्ति है बताया था, तो मनोवृत्ति गंदे स्थानों पे नहीं रुकती है, ये साबुन सोडा साबुन जो भी साफ करने वाली चीजें हैं, जहाँ चाहे जितना मैल हो लगाया और खलबलाया और फेंक दिया धूप में, सूख करके दिव्य हो गए। तो ये ज्ञान जो है, ज्ञान विवेक, ये सब प्राप्त होता है सत्कर्मों से, अच्छी और अच्छी समझ सदग्रंथों के अध्ययन से। परमपिता परमात्मा देवी माता की।